नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 17 सितंबर 2022 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु मेष राशि में, मंगल वृषभ राशि में, चंद्रमा के साथ संयोग कर रहा है। मंगल और चंद्रमा वृषभ राशि में, सूर्य और शुक्र सिंह राशि में, वक्री बुध कन्या राशि में, तुला राशि में केतु, मकर राशि में वक्री शनि और वक्री गुरु मीन राशि में गोचर में चल रहा है। ग्रहों के आधार पर राशिफल क्या बनता है, आइए देखते हैं। मेष राशि, आर्थिक संपन्नता की तरफ बढ़ेंगे लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम होने जा रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप कुशल पूर्वक सही दिशा में चलते रहेंगे। काली वस्तु का दान करें। वृषभ राशि, सौम्यता और आकर्षण दोनों ही बिल्कुल साथ साथ चलेगी। जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप शुभ बने रहेंगे। लाल वस्तु का त्याग करें, दान करें। मिथुन राशि, खर्च की अधिकता मानसिक परेशानी का कारण बनेगी। सरदर्द, नेत्र पीड़ा बना रहेगा, काल्पनिक भय सताएगा। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम और संतान की स्थिति लगभग ठीक है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप मध्यम गति से आगे बढ़ेंगे। लाल वस्तु का दान करें। कर्क राशि, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी है, प्रेम और संतान की स्थिति भी पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप शुभता से भरे हुए हैं। रुका हुआ धन वापस मिलेगा, आय के नवीन स्रोत बनेंगे, एक शुभ समय। लाल वस्तु पास रखें। सिंह राशि, यात्रा में लाभ होगा, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, भाग्यवश कुछ काम बनेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, प्रेम संतान थोड़ा मध्यम है, व्यापार बहुत अच्छा है। सूर्य को जल दें। कन्या राशि की स्थिति ठीक ठाक कही जाएगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम संतान भी मध्यम है, पूजा पाठ में भाग लेंगे और संयमित होकर के आप अपने कार्यों में लग जाएंगे, बुरा समय निकल जाएगा। लाल वस्तु का दान करें। तुला राशि, अभी परिस्थितियां प्रतिकूल है, थोड़ा बच के पार करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम संतान लगभग ठीक है, व्यापारिक दृष्टिकोण से एक खराब समय अभी चल रहा है, ध्यान देकर के आगे बढ़े। सूर्य को जल देते रहे। वृश्चिक राशि, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात संभव है। जीवन में आप कुछ दिन के लिए एक सही दिशा में आ गए हैं। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम और संतान भी पहले से बेहतर है। व्यापार आपका अच्छा दिख रहा है, मतलब 17 तारीख का दिन आपके लिए अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें। धनुराशि, शत्रुओं पे भारी पड़ेंगे, शत्रु भी मित्र बनने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा, प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी शुभ समय। बजरंग बली को प्रणाम करते रहे। मकर राशि, भावनात्मक संबंधों में तूतू मैमी के शिकार होंगे, बच्चों के सेहत को लेकर के थोड़ा मन परेशान होगा। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम संतान की स्थिति लगभग मध्यम से उत्तम की तरफ, व्यापार आपका सही चलता रहेगा। काली जी को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, भूम भवन वाहन की खरीदारी निश्चित है, घर में कुछ उत्सव हो सकता है, मां के स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम संतान मध्यम, व्यापार बहुत अच्छा। गणेश जी को प्रणाम करें। मीन राशि, व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी है और व्यापार तो मैं बताया आपको कि अच्छा चल रहा है। लाल वस्तु पास रखें। नमस्कार।